वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम कर रहे हैं दिवाली वाला शूट। तो मेरे फेस पे बच चुके हैं 12 क्योंकि कुछ नहीं हुआ गाइस, ना थ्रेडिंग ना कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। तो दीदी आ चुकी है मेरा मेकअप करने के लिए और सेटअप हमारा पूरा रेडी है। तो भैया भी निकल चुके हैं, मैं ही लेट हूँ बस। तो मैं दीदी से आपको मिलवा देता हूँ। फाइनली दीदी आ चुके हैं मेरे घर पे मेकअप करने के लिए। तो दीदी करेंगे मेरे मेकअप। और बाय द वे ये मेरी रियल सिस्टर है। तो हाय, कैसे हो भैया? तो अभी दीदी ना एक काम कर रही थी, वैनिटी बेसक मेरी है मगर चूम दीदी रही थी। दीदी कैसे चूम रहे थे बताना, ऐसे करके। चाहे गाइस किसी की भी रोजी रोटी हो मगर चूम के काम स्टार्ट करना चाहिए, है ना? हाँ जी। तो गाइस मेरी सारी सिस्टर्स मेकअप करना जानती हैं, तो देखते हैं आज इनका मेकअप कैसा होता है। मत कराने दियो, तुझे मेरे पास ही सोना है ना, है मेरे पास ही सोना है, मेकअप मत कराने दियो। तो अभी सो गई, ये मेरे को मेकअप कराने नहीं देगी वरना इसको सुलाया नहीं तो मैंने। अभी भी सेट हो रही है मेरा, हो रहा है हेयर स्टाइल जो कि आप देख सकते हो। तो मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस लिपस्टिक बाकी है। तो ये है मेरा ब्लाउज, तो आप देख ही सकते हो ब्लाउज ऐसा लग रहा है। और छुट्टियाँ छोटी नहीं है मतलब, और कितने लंबे बाल लोगे भाई? ये तो आप मोटो ही आंस छोटी हुई, नहीं सही। इतने गुथ मत लगाओ, धोना पड़ेगा मुझे सर। बिग पुच्ची ग्रीन ब्लाउज के साथ पिंक साड़ी कौन पहनता है? ग्रीन ब्लाउज नहीं, तुझे भी गलतफहमी हो गई। ग्रे ब्लाउज है तो हमारे पास ये स्ट्रिप्स दिखेगी, बाकी ये ब्लाउज नहीं दिखेगा। तो टेंशन मत लो, रेड मगर दीदी बहुत देर लगा रही है साड़ी बनाने में, मैं से नहीं खड़ा हुआ जा रहा बस। हाय राम, ब्लाउज बनाना है तो खड़ा तो होना पड़ेगा ना। मेकअप कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। इधर आके दिखा दो प्यू भैया, मुंह में घुसेड़ोगे क्या कैमरा का? पूरा पूरा चाइना घुसा होगे क्या मुंह में? ये वाला जो पल्ला होता है ना, ये बहुत देर में फिट होता है। उनकी शक्ल दिख रही है भैया? ओह हाँ, ये सही है। ये देखा, आप कह रहे हो देर लगती है, पिन लगा दो इधर पर कुछ अलग करना चाहिए, है ना? और पल्ला नीचे नहीं? ठीक है ठीक है, इतना मेहंदी तो ऐसे ब्लाउज सिलवाना होगा। तो वैसे इतनी महंगी चल रही है शूट के लिए, तो इतनी सारी लाइटिंग, कैमरामैन फलाना ढिंका, यूज भी पिन देखो भैया, ज्यादा ऊपर हो गया मेरे हिसाब से। लगाओ पिन, फिर लगाओ दीदी, पिन लगाओ ना फिर लगाओ। तो एक मेकअप आर्टिस्ट हो के मेकअप कराना बहुत मुश्किल का काम होता है क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है कहाँ क्या गलती हो रही है। तो अब ठीक है ना, मेरा टीका ऊंचा है ना नीचे तो है। मैंने बिंदी लगाई है जैसे कि मुझे भी पसंद है ये ब्लैक कलर की बिंदी। कब आएगा ये टाइम मेरा लगाने का? ये 2-3 साल बाद मैं आपका रास्ता ढूंढूंगा। भैया फोन बोल रहा है बीजाज, जो अपना नहीं ढूंढ पा रहा। अब तो मैं छोटा हूँ, कंफर्म नहीं कर पा रहा कौन सी वाली लूँ कौन सी वाली लूँ। गाइस इसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है। आंटी अगर सुन रहे हो तो रिश्ता कराओ इसका जल्दी जल्दी। बीजाज कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? तो गाइस मैंने ब्लाउज पहना है, ऐसा कोई कमेंट मत करना, कुछ धंधा सा। ओके मेकअप कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके, सुंदर सा सही लग रहा है भैया। अच्छे दिया पूछ दिया दिया पूछ क्या बजाज दिया पूछ क्या? ओ ये तो बोलता नहीं है धारावाहिक में, ये तो अब शगुन हो गया। वो करो जल्दी, बोलने नहीं है, बम नहीं फोड़ने, बजाज दिए जलाने क्या दिए जलाओ। और मतलब मैं सारे जी भूल चुके ना, ये तो बहुत घोर अब शगुन हो गया गाइस। अब शगुन नहीं बजाज, वो वीडियो के लिए थे, अभी रियल में दिए जलाने ठीक है। दीपावली पे गाइस दिए जलाओ
ना कि बम फोड़ो क्योंकि पोल्यूशन होगा तो उसके मैं इस चीज में वो नहीं करने वाला, आप ही बोलो अकेले क्योंकि गाइस मेरे को मन कर रहा है पटाश वगैरह मंगाए मैंने ऐसे फालतू में। ये पटाश क्या होता है? वो एक होता नहीं गाइस वो ऐसे बंदूक वाला इसको ऐसे बाल उड़ के मार, भैया इसे बम की जरूरत है, खुद लहसुन बम है ये, रहन दो ये सब बातें इंग्लिश होवा देती है बच्चों के लिए, तो ये बच्चों को कितना भी समझाओ वो नहीं मानने वाले। भैया नहीं मैं इसे बम फोड़ने हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसी के लहसुन बम फोड़ करूंगा मैं, ठीक है ये दिए ही जलाएगा देखना भैया, क्योंकि आप भी दिए जलाओगे ना भैया। हाँ मैं भी जलाऊंगा। तो गाइस हैप्पी दिवाली एडवांस में, तो गाइस अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशहाल रहिए और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, क्योंकि यार दिवाली का तो हर साल में एक बार आता है, तो आराम से इंजॉय कीजिए, नो पॉल्यूशन। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे ही आप मेरे सारे ब्लॉग को प्यार देते हैं इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।